देखते हैं माहौल बनता है कि नहीं। कहते हैं कि सभी नग में साज में गाए नहीं जाते, सभी नग में साज में गाए नहीं जाते, सभी लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते। इसीलिए मुझे बहुत देर बाद मौका दिया गया आप लोगों की वजह से। कहते हैं कि सभी नगमे साज में गाए नहीं जाते, सभी लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते, और कुछ लोग हैं जो पास रहकर भी याद नहीं आते, और कुछ लोग दूर रहकर भी बुलाए नहीं जाते। मैं चार पंक्तियां सुना दूं और इसके बाद मैं अपना मुक्तक पढ़ने की कोशिश करता हूं। पंक्तियां हैं मेरी कि हमें खुद पता नहीं है हम क्यों बहक रही है, रातें सुलग रही है, दिन भी दहक रही है, जब से है तुमको देखा बस इतना जानते हैं, तुम भी महक रहे हो हम भी महक रहे। मुक्तक पढ़ने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रास्ता आने लायक नहीं था मगर, रास्ता आने लायक नहीं था मगर, तुमने आवाज दे दी तो आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है तुमसे मेरा, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है तुमसे मेरा, जो नहीं चाह कर भी निभाना पड़ा, नहीं था मगर। मैं पहला बंद पढ़ने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा कि कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, वो जुदा हो गया जो मिला ही नहीं, कुछ कहा भी नहीं, कुछ सुना भी नहीं, वो जुदा हो गया जो मिला ही नहीं, और उसकी चाहत में बर्बाद हम यूं हुए, कुछ लुटा भी नहीं, कुछ बचा भी नहीं। कहते हैं कि मोहब्बत में है कितने गम ये हम बतला नहीं सकते, मोहब्बत में है कितने गम ये हम बतला नहीं सकते, ये होती भी उसी से है जिसे हम पा नहीं सकते। हमने रो रो के वो सब लिखा है जिसे, हमने रो रो के वो सब लिखा है जिसे, मुस्कुरा कर के सबको सुनाना पड़ा, रास्ता आने लायक नहीं था मगर, तुमने आवाज दे दी तो आना पड़ा, रास्ता आने लायक नहीं था मगर। मैंने सबसे कहा था कि सर 10 मिनट लग जाएंगे, सबने कहा कि इतने से गीत में 10 मिनट क्या लग जाएंगे। अच्छा, हिंदुस्तान VIP देश तो है ही, किसी ने कह दिया कि बापू ने देश के लिए कुछ नहीं किया तो उसे ले जाकर के जेल में डाल दिया गया, तो कहा कि भैया तुमने ऐसा क्यों कहा कि बापू ने देश के लिए कुछ नहीं कहा, तो बोला कि आपने महात्मा गांधी को व्यर्थ समझ लिया, पिताजी के लिए कहा था ऐसा। सेकंड मुक्तक पढ़ने की कोशिश करता हूं इस गीत का कि जिंदगी को किसी की अंधेरे में रख मैं दिवाली मनाना नहीं चाहता, चाहता हूं हमेशा वो खुश भी रहे, मैं उसे सिर्फ पाना नहीं चाहता। कहानी मिलने लगी थी अपनी अपने सभी को, जिंदगी को किसी की
अंधेरे में रख मैं दिवाली मनाना नहीं चाहता, चाहता हूँ हमेशा वो खुश भी रहे, मैं उसे सिर्फ पाना नहीं चाहता। वो बहुत पास आने लगी थी मेरे, वो बहुत पास आने लगी थी मेरे, इसलिए उसको सच सच बताना पड़ा, रास्ता लायक नहीं था मगर। अच्छा क्या होता है मित्रों, जैसे जब आखिरी समय होता है किसी का और वो कह देते हैं कि आखिरी बार है, देख जाना हो तो देख जाना, अब ना मिल पाएंगे, तब मैं चार पंक्तियां सुना दूं, क्योंकि बार बार नहीं आना होता है, बहुत मुश्किल से मौका दिया गया है, हमने तो रिजेक्ट ही कर दिया था। तो जब वो देखने जाता है कोई और फिर वो अपनी कलम के तहत उसको लिखता है, तो क्या लिखता है कि डाली से टूट करके जिस दिन कली गई थी। मैं चार लाइन पढ़ के आखिरी मुक्त पढ़ के अपनी बात को समाप्त करता हूँ कि डाली से टूट करके जिस दिन कली गई थी बस उसी दिन से। भैया 2015 बैच में जो लोग हो प्रशिक्षु के साइन हो रहे हैं, पहुंच करके साइन कर लें। साइन ही रहे चाले रहो, चाले नहीं 15 तुम्हें पढ़ रहा था कि डाली से टूट करके जिस दिन कली गई थी बस उसी दिन से अपनी किस्मत छली गई थी, अंतिम मिलन समझ कर उसे देखने गया तो क्या हुआ कि था प्लेटफार्म खाली गाड़ी चली। चलिए अंतिम तक सुनिए, गीत हरदम उजालों के हम गाएंगे, ये अंधेरे तुम्हें छू नहीं पाएंगे, गीत हरदम उजालों के हम गाएंगे, ये अंधेरे तुम्हें छू नहीं पाएंगे, मुस्कुराना सदा रूप का काम है, प्रेम तो त्याग का दूसरा नाम है। और मित्रों मैं चार पंक्तियां और पढ़ दूं, इसके बाद आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं, क्योंकि सितारों को आंखों में महफूज रख लो, सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। सितारों को आंखों में महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, और मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। चलिए गीत हरदम उजालो कि हम गाएंगे, ये अंधेरे तुम्हें छू नहीं पाएंगे, मुस्कुराना सदा रूप का काम है, प्रेम तो त्याग का दूसरा नाम है, और तुम तो आनंद लो रोशनी का प्रिय, तुम तो आनंद लो रोशनी का प्रिय, ये ना पूछो कि क्या क्या जलाना पड़ा, रास्ता लायक नहीं था मगर, तुमने आवाज दे दी तो आना पड़ा, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा है तुमसे मेरा, जो नहीं चाह कर भी निभाना पड़ा, रास्ता लायक नहीं था मगर। बहुत जोरदार तालियां।